मैनेजर अब ये नहीं चाहते। हमें टाइम बता दीजिए ना कि आप समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और सुरागीलाल न्यूज चैनल ने भी इस मामले में जनता की आवाज बन समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की है। वहीं काशीपुर समाज सेवी गगन काम्बोज भी इसे प्रमुखता से ले रहे हैं। बीती शाम काशीपुर वार्ड नंबर 35 के सभी लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा नेता दीपक बाली और गगन काम्बोज ने एसडीएम के माध्यम से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। ये बरसों से एक नाला है स्टेडियम के पीछे, जिसका आज तक कभी उसकी सफाई नहीं हुई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लगातार बरसात होती है, हर साल होती है, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ ना कि कुछ यहाँ अधिकारी ऐसे नकारा पिंडली मार के बैठे हैं जिनको ये दिखाई नहीं देता। सभी बहनों की, सभी परिवारों की पीड़ा थी, कल भी गए थे वहाँ, देखा है, और आज सभी लोग एकत्रित होकर एसडीएम महोदय से मिले हैं कि सारे अधिकारियों के पास जाके हाथ जोड़कर विनती करके सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है। माननीय उपजिलाधिकारी जी हमारे शहर के मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं, आज सर्वे सर्वा के यहाँ आके गुहार लगाई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि दो दिन के अंदर अंदर इसको विजिट कर लिया जाएगा और इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा कि इस बार, ऐसा आश्वासन और ऐसी उम्मीद उन्होंने जगाई है कि इस बार इनमें से कोई भी घर और कोई भी परिवार पानी में नहीं डूबेगा, और मुझे पूरा उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन दो दिन में इसकी विजिट करके और चंद ही कुछ ही दिनों में इस पर काम, इस नाले की सफाई इस बार शुरू हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी आज का आश्वासन अगर खाली गया तो हर समस्या का हल है हमारे पास, और उसके बाद चाहे स्वयं ही क्यों ना करना पड़े, ये माताएं बहनों के साथ ही क्यों ना करना पड़े, ये देखे प्रशासन हमको मना कर दे, हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम स्वयं करने की ताकत रखते हैं। अगर कोई भी जनहानि होगी उसमें तो प्रशासन की, प्रत्येक जनहानि का जिम्मेदार काशीपुर प्रशासन होगा। दो ये सब हमारी जो बहनें खड़ी हैं, सब जो आरके कॉलोनी है, इधर स्टेडियम के बैक साइड में वहाँ जो गैबिया नाला है उसकी सफाई को लेकर, क्योंकि उसमें 2008 से इन लोगों का कहना है कि प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी ने नहीं सुनी, और आज तक वहाँ सफाई नहीं हुई। इन्होंने कुछ वीडियो भी दिखाई पिछली बरसातों की भी, जिसमें आप लोग अपने बच्चों के साथ लेकर मकान की छत के ऊपर बैठे हुए हैं 24-24 घंटे तक, कि अंदर नीचे इतना पानी भर जाता है और इतनी समस्या होती है। तो आज उसी बारे में बात करने के लिए सभी लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, और एसडीएम महोदय से हमने लोगों ने मीटिंग की है, गगन के संज्ञान में भी आया, तो हम सब लोग साथ में आए थे और आकर एसडीएम साहब के सामने उस समस्या को रखा है, और फिर उसकी स्थिति बताइए कि खाली मुद्दा वहाँ सफाई का नहीं है, वहाँ पानी चारों तरफ फैलने से बहुत बहुत बड़े पेड़ झाड़ झंकाड़ उस नाले में हो चुके हैं, जिसको एक टास्क के रूप में लेना पड़ेगा। ये मतलब नाले की सफाई का मैटर नहीं है कि जेसीबी भेजी और वहाँ सफाई शुरू हो गई, लेकिन अभी उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा है और एमएनए साहब से भी मैंने बात करी सभी के साथ में, तो उन दोनों अधिकारियों ने हमें ये कहा है कि शनिवार तक उस जगह की पहले विजिट करेंगे और उसके बाद हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो, और वहाँ मिलजुल कर काम करेंगे। हमने भी कहा है सबने कि मिलकर अगर प्रशासन को भी कोई सहयोग चाहिए होगा तो आप लोग सहयोग देंगे साथ में, क्योंकि वो शहर हमारा है। हम खाली ये नहीं कह रहे कि अधिकारी, लेकिन उसकी रूपरेखा पूरा अधिकारियों को नगर निगम को ही बनानी पड़ेगी, जिससे कि वहाँ मशीनों के जरिए सफाई हो सके और कर्मचारी वहाँ पहुँचें। तो आज उसी समस्या के ऊपर बात हुई है और उम्मीद है कि जैसा आश्वासन मिला है उप जिलाधिकारी महोदय और एमएनए नगर आयुक्त महोदय से, तो काम होगा और आपकी समस्या हल होगी, लेकिन अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो समस्या तो हल अब होगी, क्योंकि तो समस्या को ख़त्म करना है। अब वो कैसे होगी इसका भी समाधान निकालेंगे, पहले जो आश्वासन मिला उसका इंतजार करेंगे। देखिए आज जो है वार्ड नंबर 35 के बहुत सारी महिलाएं और बहुत से लोग भी आए थे, उनके साथ जनप्रतिनिधि भी थे, और उनकी मेन समस्या ये है कि पिछले साल जो भारी वर्षा हुई थी उसमें लोगों के घरों तक पानी घुस गया था और जिससे उनको बहुत समस्या हुई थी, और इसी समस्या को वो बता रहे हैं कि वो लगातार कई सालों से फेस कर रहे हैं, और नाले का कुछ पोर्शन है जहाँ पर सफाई नहीं हो पाती है, गेबिया नाला जो है, और कुछ अतिक्रमण की भी समस्या उन्होंने बताई है कि आगे कहीं जो है नाले को छोटा कर दिया गया है, उसकी चौड़ाई कम कर दी गई है, इससे पानी निकासी नहीं हो पाती है। तो इसमें नगर निगम और हम लोग संयुक्त रूप से इसमें इसका निरीक्षण करेंगे और इसका जल्दी से जल्दी जो सलूशन हो सकता है
वो प्रयास करेंगे कि वहाँ फ्यूचर में ऐसी समस्याएं जो आ रही हैं, पहले तो उसका कारण क्या है और क्या उसका समाधान है, इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करके और वहाँ के लोगों को जो समस्या है उससे प्रयास करेंगे कि उनकी समस्या दूर हो जाए। वार्ड नंबर 35 के संबंध में जो आपने संज्ञान में लाया है कि हमारा कोई नाला है जो कि इनक्रोच है, साथ ही जो है उसमें सफाई नहीं हुई, उसका संज्ञान लिया जाएगा। अगर इंक्रोचमेंट है तो कौन विभाग जिम्मेदार है, वो कैसे खाली करा सकता है, उससे भी अनुरोध किया जाएगा। साथ ही यदि हमारी जेसीबी वहां तक जा सकती है तो निश्चित रूप से उसके जो अगर वो बंद है, उसमें गाद है, तो उसको हम साफ करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक हमारे शहर के जो है वो उस जलभराव से बच सके, इस संबंध में हर कोशिश हम करेंगे। काशीपुर की एक समस्या नहीं है, जो मेन समस्या इस समय मानपुर रोड पर आर के पुरम की है, जो गैबिया नाला आता है उसी नाले की दलदल हो चुकी है। महिलाओं ने अभी यहाँ पर दिखाया कि उनके घरों में पिछली बरसात में सांप तक घूमे हैं और महिलाएं छत की ममटी में जाकर के रही हैं, बच्चे परेशान रहे, लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा। इस कारण ये आक्रोश है, उस आक्रोश के तहत एसडीएम साहब को कहा गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि दो चार दिन में पूरा हम किसको कर पाएंगे, मुआयना करेंगे। मेरा इसी आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह हो रहा है, काशीपुर में जो हमारा ढेला नदी बहती है वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बहाव स्थिति लाती है जब बरसात होती है, उसमें अगर सरकार और प्रशासन चाहें तो काशीपुर को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए इसकी गहराई से खुदाई करें, जिससे गेवे नाले में जो उफान आता है वो इसकी पानी के उथलापन होने की वजह से आता है और साइडों में पिचिंग हो जाए तो ये कटान जो है वो रुक जाए, और इसी तरीके से गेवे नाले भी पूरा बन जाए और गेवे नाले की दोनों तरफ की दीवारें बना करके पक्का नाला बनाए, मेरी ये मांग है प्रशासन।